नमस्कार, एफएमजेड न्यूज इंडिया देख रही सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आरती आपके साथ। शुरुआत करते इस वक्त की 10 बड़ी खबरों के साथ। अमृतसर के बेटे को वीरबाल पुरस्कार और संगरूर के अमनदीप को मिला वीरबाल अवार्ड। 14 साल की उम्र में चलती वैन से चार बच्चों को निकाला था पूर्व सीएम कैप्टन ने किया सलाम। चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस पर खालिस्तानी नारे, बेअंत सिंह मेमोरियल के बोर्ड पर एसएफजे जिंदाबाद लिखा, मचा हड़कंप। तिरंगा पैटर्न की बोतल फेंक कर घिरा राम रहीम, वीडियो वायरल होने पर छिड़ा विवाद। अब बोला, वह झंडा नहीं, उसमें सिर्फ 3 रंग थे। 74वें रिपब्लिक डे पर बाबा रामदेव बोले, पाकिस्तान के जल्द 4 टुकड़े होंगे, 3 हिस्सों का भारत में विलय होगा। आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। दुनिया की पहली कोविड नेजल वैक्सीन लॉन्च, बूस्टर डोज के तौर पर लगेगी, देने होंगे पैसे, क्विन पोर्टल से होगी बुकिंग। सिद्धू को नहीं मिली रिहाई, पत्नी बोली, वे खूंखार जानवर, इसलिए सरकार रिहा नहीं कर रही। दुल्लो ने कहा, लीडरशिप को आना चाहिए था। यूजर्स तय करेंगे फोन में गूगल ऐप रखें या नहीं, सीसीआई की सख्ती के बाद झुका गूगल। एंड्रॉइड फोन चलाने वाले 97% लोगों को हुआ फायदा। जामिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं हुई, 7 छात्रों की रिहाई तक एसएफआई ने टाली। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी फिल्म दिखाने पर हंगामा। अफगानिस्तान में ठंड से 157 लोगों की हुई मौत, 77,000 मवेशी भी मरे। -28 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर, 2/3 आबादी को तुरंत मदद की जरूरत। रूस ने यूक्रेन के 2 पावर प्लांट को निशाना बनाया, ओडिशा पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दागी, 1 दिन पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज बना था। बड़ी खबरें कल फिर हाजिर होंगी और भी नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए एफएमजेड न्यूज़ इंडिया।